गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, माई नेबरहुड, पेज नंबर 48। ऑब्जर्व द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको बहुत सारे घर दिख रहे होंगे, पेड़ दिख रहे होंगे, व्हीकल्स दिख रहे होंगे यानी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे एज वेल एज पेट। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ नेबरहुड। नाउ नेबरहुड, आवर नेबरहुड इज़ द एरिया अराउंड अ हाउस, यानि हमारे घर के पास का जो एरिया होता है, जगह होता है, उसे हम नेबरहुड बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। जैसे इस पिक्चर में देर इज़ अ पार्क, देर आर पीपल, देर इज शॉप, देर आर वेंडर्स जो सब्जी बेच रहे हैं, और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। पीपल लिविंग इन आर नेबरहुड आर आवर नेबर्स, और जो लोग हमारे आसपास के एरिया में यानी पड़ोस में रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी बोलते हैं, दैट दे बिकम आर नेबर्स। ठीक है, सो हमारे घर के पास जो हैं, हमारे घर के पास जो दूसरे घर होते हैं उनमें रहने वाले लोगों को हम अपने नेबर्स बोलते हैं, हिंदी में हम उन्हें पड़ोसी बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। जैसे इस पिक्चर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक बच्चा खड़ा है, उसके पास दो बच्चे और खड़े हैं, सो दे आर नेबर अमंग देमसेल्फ, ये लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आप एक दूसरा पिक्चर ऑब्जर्व करो। अब एक अच्छा नेबर क्या क्या काम करता है, वो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा आपकी मम्मा जो हैं नेबर्स के साथ चीज़ें शेयर करती हैं। हम पार्टीज़ में इन्जॉय करते हैं, हम अपनी बर्थडे पार्टी में उन्हें इनवाइट करते हैं, हम फेस्टिवल दिवाली होली उनके साथ हैप्पीली इन्जॉय करते हैं, हम उनके खुशियाँ बांटते हैं, हम उनके गम बांटते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं और उनके दुख में दुख मनाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, यू प्ले विद द किड्स नियर योर नेबरहुड, आप उन बच्चों के साथ खेलते हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपके घर के पास रहते हैं, दे आर ऑल योर नेबर्स एंड यू बिकम गुड फ्रेंड्स।